अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वाला वीडियो बहुत धमाल का होने वाला है। देखिए, पहला रोहू आता है। और छूट जाता है, निकल जाता है। काफ़ी अच्छा साइज़ था, बड़ा साइज़ था। और पूरी वीडियो में ऐसे मज़ा आने वाला है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त शिकार होगा इंशाल्लाह। ये हमारा पहला रोहू था जो छूट गया। दोस्तों, आप लोगों से एक गुजारिश है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। और लाइक करना ना भूलें दोस्तों, सपोर्ट करें। आप लोग का एक लाइक हमारे मोटिवेट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, ये दूसरा वाला है, इंशाल्लाह इसको बाहर निकाल ही देंगे। वैसे ही मैं छड़ी दूसरे के हाथ में, और छड़ी मेरे पास ही रहता, धागा मेरे बाजू वाले में जो बैठे उनको दे देता हूँ मैं, क्योंकि ये भी ज़्यादा इधर उधर कर रहा था। जितने छोटे छोटे ज़्यादा साइज़ के रोहू है नहीं, ये आधा किलो पौना किलो के रोहू हैं। ये ज़्यादा तड़प मारते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं। जब आगे गल के अंदर तो बहुत ज़्यादा तड़प मारते हैं, और जल्दबाजी के चक्कर में ही निकल जाता रोहू। रोहू है, देखिए खूबसूरत, काफ़ी खुश है हम सब। पहला शिकार हो गया, काफ़ी बेहतरीन। देखिए देखिए, आधा किलो के आसपास का साइज़ है, सब यही साइज़ के ही हैं। कोई इससे थोड़े छोटे, कोई इससे थोड़ा बड़ा लगता है। और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। चार जने हम, पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा हुआ है, पिछले वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करेंगे। यही वीडियो है वो जो कंटिन्यू चालू है। काफ़ी अच्छा शिकार चालू है, और गल बहुत बेहतरीन लग जाता, निकलता नहीं है। और कैमरामैन ना होने के वजह से कैमरा हम एक जगह लगा देते हैं, और कैमरामैन अगर कोई हो तो हर चीज़ बराबर शूट होगा। कैमरामैन नहीं होने की वजह से मैं कैमरा एक जगह पे लगा देता हूँ पीछे साइड में, उसके बाद हम लोग शिकार वगैरह करते रहते हैं। लोकेशन तो अपना वही है दोस्तों, कायगांव परवा संगम पुल है, पुल के नीचे बैठते हैं। फैयाज भाई आटा बना रहे, अभी आटा खत्म हो गया था, आटा बना रहे हो। देखिए अपना तीसरा शिकार है, छोटा साइज है, लेकिन पानी में रहने के बाद भी, पानी से निकलने के बाद भी बहुत ज़्यादा तड़प मारते हैं ये लोग, इसलिए अगर थोड़ा सा गल लगा रहेगा तो निकल जाते हैं ये। और ऐसे पांच रोहू हुआ हमारा जो थोड़ा गल लगा है, निकल गया है। एक तो हमारे करीब आके निकल गया था, यानी बाहर तक आया और निकल गया। बहुत खूबसूरत लगते हैं छोटेपन में, तो और ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं दोस्त। देखे दोस्तों, टोटल शिकार हम अब रोहू का जो कर रहे हैं ना, वो आटा है। आटे में कुछ भी नहीं मिला दोस्तों, सिवाय यही नदी का पानी, दूसरा कुछ भी नहीं। घर से या वाटर फिल्टर वाला पानी यूज़ नहीं करते हम यही नदी का पानी यूज़ करें। और अच्छा रिज़ल्ट है, आप लोग के सामने रिज़ल्ट है। नीचे कीचड़ होने के वजह से पैंट को फोल्ड किया है दोस्तों, कीचड़ के वजह से ना पैंट ज़्यादा गंदा हो रहा था। वॉइस ओवर इसके लिए करके बोलता हूँ मैं कि वहाँ पे जो हवा बहुत ज़्यादा आती है तो आवाज़ समझ में नहीं आती, और कैमरा पीछे रहता है। वीडियो में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। ये देखिए तीसरा शिकार, जैसे बाहर लाता हूँ वैसे ही छूट जाता है।
तो अच्छा मेरे पैर के पास रहता और दोनों हाथ मेरा पैर के बीच में, अब मैं पैर तो निकालू तो कैसे निकालू। तो फैयाद भाई को बुलाता, फैयाद भाई हंसते, नहीं पकड़ता तो छूट जाता था। गाइस ये देखो पहले पर मिटा, इसी तरीके से जब भी शिकार होता है तो मज़ा आता है, जब शिकार ना हो तो मायूसी छा जाती है, वीडियो नहीं बन पाता है। लंच के बाद का वीडियो है, यानी हमने जो लाया था नाश्ता पानी खाने के लिए वो खाना वाना करके उसके बाद फिर से वीडियो बना रहे, लेकिन वो टाइम पे कैमरा सेटअप बराबर नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा कैमरा अगर नीचे होता तो ज्यादा मजा आता था। देखिए क्या बेहतरीन साइज की रोहू लग रहे हैं, नर और मादी दोनों, ये नर है वो मादी, तो फर्क आला नहीं। हालांकि मैंने कैमरा लेके आया हुआ है जो सर पे लगा सके, आ रहा आ रहा, बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत। हमें सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती, जब कोई लाइक या सब्सक्राइब आता है, और तीसरी खुशी जो है हमारी वो जब मछलियां लगती है ना, वो खुशी, वो खुशी अगर आप शिकारी होंगे तो आप जानते होंगे कि वो खुशी क्या होती है। हर एक शिकारियों के लिए वो खुशी बहुत ज़्यादा, बोलते ना उसके बारे में कुछ बोल भी नहीं पाओ ऐसी खुशी होती है, जब जब गल में मछली आ जाए और भागने लगे लेके, वो टाइम ही अलग होता है एक शिकारी के लिए। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में अगर कुछ गलतियां होती हमसे वीडियो बनाने में तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। चिलापी मछली है, एक ऐसी चिलापियाँ लगती रहती है, इक्का दुक्का तो लगती रहती है। हो गया, आप शिकार भी इंशाल्लाह निकलेंगे, देखिए आप शिकार कैसा है। चिलापी मछली बहुत ज़्यादा हो गई भी है, तीन जन के पास था, तीनों जन के पास चिलापी है। ये हमारे अब्दुल भाई का है और ये फैयाज भाई का शिकार है पूरा टोटल, बड़ी बड़ी चिलापियाँ हैं अंदर, आधा आधा किलो के ऊपर की चिलापियाँ हैं। देखिए साइज बहुत जबरदस्त जबरदस्त लगता है, काफी मजा आता है दोस्तों शिकार में, आशा करता हूँ आप लोगों को भी मजा आ रहा है। ये देखिए रोहू वाली थैली, उसमें टोटल रोहू है, पांच रोहू है, पांच पांच नहीं दोस्तों चार है, एक छूट मतलब चार पांच छूट गया है और चार आया हुआ है। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक करें, और देखिए हमारा ये लोकेशन है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शिकार हो गया, आप जा रहे घर को, ठीक है, ये अपना लोकेशन था। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करे बगैर जाए ना दोस्तों, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत।